गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये जो कॉलम बेसिस है इसमें सारे चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कॉलम बेसिस के बाद अभी हम लोग शुरू करेंगे गसेट बेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। पहले इसका वीडियो मैंने बनाया था लेकिन वीडियो ख़राब हो चुका था। ठीक है, इसमें यूट्यूब में दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब मैंने अभी क्या करूँगा, इसका गसेट प्लेट का बनाऊँगा। ठीक है, देखो गसेट प्लेट अगर देखोगे, देखो गसेट प्लेट में क्या है, देखो गसेट प्लेट में हम लोग का जो पहला टॉपिक है ये है हम लोग का गसेट बेस प्लेट। आज यूज हम तभी यूज करेंगे जब लोड जो है वो कॉलम में क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा हेवी रहेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेवी लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, गसेट बेस प्लेट यूज़ करेंगे। जो स्लैब बेस कम लोड के लिए और गसेट बेस प्लेट जो है ये हेवी लोड के लिए, हेवी लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट करने के लिए जो फास्टनिंग होता है, फास्टनिंग का मतलब जो कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग बेस को, गसेट बेस को और कॉलम को हम लोग को कनेक्ट करने के लिए जो फास्टिंग हम लोग यूज़ करेंगे उसमें हम लोग गसेट प्लेट यूज़ करेंगे और क्लिक एंगल यूज़ करेंगे। क्लिक एंगल मतलब कुछ नहीं, एक एंगल है जो गसेट बेस है और कॉलम को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि लोड जो है इवनली ट्रांसफ़र हो जाए कॉलम से बेस प्लेट में और बेस प्लेट से कॉन्क्रीट में। इसी तरह क्या है कि इवनली लोड जो है ट्रांसफ़र हो जाए उसके लिए हम लोग फास्टनिंग वगैरह यूज़ करेंगे। और जो लोड जो ज़रूरत है ना लोड को कैरी करने के लिए, उसके लिए अगर लार्ज बेस प्लेट ज़रूरत होता है तो लार्ज बेस प्लेट के बिना यूज़ करें हम लोग क्या करेंगे, गसेटेड बेस हम लोग यूज़ कर लेंगे। और इसमें गसेटेड बेस में क्या है कि ये इसमें एक बेस है जिसका क्या है कि थिकनेस को हम लोग कम कर देंगे। और कैसे कम करेंगे, हम लोग दो गसेटेड प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे, एक हम लोग का हर एक फ्लेंज में, मतलब जैसा फ्लेंज है हम लोग इसको थिकनेस को कम करने के लिए क्या करें, सोचो एक आई सेक्शन है ना, ये हम लोग कॉलम सेक्शन है, इसका ए साइड में गसेट प्लेट, ए साइड में गसेट प्लेट यूज़ करेंगे, ताकि जो गसेट प्लेट है उसका थिकनेस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है ये क्या है गसेट प्लेट में, तो गसेट प्लेट में हम लोग यूज़ करेंगे क्रीट एंगल और बोल्ट और रिवेट हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब ये जो गसेटेड बेस है इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग गसेट प्लेट और हम लोग यूज़ करेंगे क्रीट एंगल और गसेट प्लेट क्रीट एंगल और कॉलम को हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो बोल्ट और रिवेट वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। जैसा कि ये देखो, ये हम लोग का कॉलम है जो आई सेक्शन दिख रहा है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गसेट प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा देखो, प्लान में एलिवेशन और ये प्लान है, ठीक है, ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गसेट प्लेट यूज़ करेंगे, गसेट प्लेट का बाद हम लोग कॉलम एंगल यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई सेक्शन, ये जो हमारा क्रीट एंगल है, क्रीट एंगल और कॉलम को एक बोल्ट से कनेक्ट करेंगे और क्रीट एंगल को गसेट प्लेट के साथ एक बोल्ट से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये आई सेक्शन है, एक्चुअली ये आई सेक्शन है और ये जो प्लेट, दोनों प्लेट दिख रहा है, ये एडिशनल हम लोग सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है ये जो देखो इसमें गसेट प्लेट का, ये हम लोग का गसेट प्लेट है, ये जो है ये हम लोग का गसेट प्लेट है, तो ऐसे हम लोग कनेक्ट उसको करते हैं। तो देखो इसके बाद एक न्यूमेरिकल, देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, एन ISHB 300 जो है 608 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से उसका वेट है। और उसमें हम लोग कवर प्लेट जो यूज़ करेंगे 300x200 का कवर प्लेट यूज़ करेंगे, जो आई सेक्शन के साइड में, ये जो आई सेक्शन है, ठीक है, ये जो आई सेक्शन है इसका जो साइड में कवर प्लेट यूज़ करेंगे, इसका साइज रहेगा 300x200। ठीक है, और ये 300 क्यों है कि इसका 300 और इसका 300 सेम है, देखो इसका जो ये जो साइज़ है प्लेट का, जो यहाँ से लेंथ है, इसका पावर प्लेट का भी लेंथ 300x300 होगा, इसीलिए और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इसको सपोर्ट करने के जो कॉलम लोड यूज़ करेंगे इसको क्या यूज़ करें, 2100 किलो न्यूटन लोड हम लोग अप्लाई करेंगे। और इसको गसेट बेस प्लेट हम लोग डिज़ाइन करेंगे, गसेट बेस प्लेट कॉलम के लिए, ठीक है। और इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है सब दिया है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है स्टील प्लेट के लिए दिया है FAC 185 न्यूटन पर mm², इसको बियरिंग स्ट्रेंथ जो है
बियरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉन्क्रीट, ये कॉन्वर्ट ये कॉन्क्रीट है ये है 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट दिया 108 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट दिया 300 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और रिवेट्स जो कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे वो 18 एम एम डायमीटर का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग डाटा हम लोग का दिया रिवेट कर दें। अभी क्या निकालेंगे, पहले हम लोग एरिया ऑफ द बेस प्लेट निकालेंगे, कितना एरिया हम लोग को बेस प्लेट का चाहिए। देखो एरिया ऑफ द बेस प्लेट निकालने के लिए क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जैसा स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया है, तो इस एक केस में एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड बाय स्ट्रेस, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लोड हम लोग को दिया है 2100 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, और स्ट्रेस हम लोग का 4 दिया है, तो बियरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉन्क्रीट है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इतना एरिया का हम लोग को बेस प्लेट चाहिए। ठीक है, देखो बेस प्लेट चाहिए तो हम लोग क्या है कि बेस प्लेट डिजाइन करने के टाइम हम लोग को पता है हमेशा हम लोग क्या करें, क्रीट एंगल को भी कंसीडर करना पड़ता है, तो हम लोग इसके लिए एक 12 एम एम थिकनेस का गसेट प्लेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 12 एम एम थिक का गसेट प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे कनेक्शन के लिए, और उसमें जो क्रीट एंगल यूज़ करेंगे ये भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इतना का साइज़ का 115 × 115 × 12 mm साइज़ का गसेट प्लेट हम लोग यूज़ क्रीट एंगल हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले दो चीज़ देखिए, एक 12 mm थिकनेस का गसेट प्लेट और 115 × 115 × 12 mm का हम लोग यूज़ करेंगे क्रीट एंगल, ये दो चीज़ हम लोग कंसीडर कर लेंगे, एक 12 mm थिक का गसेट प्लेट और एक है क्रीट एंगल जो 115 × 115 × 12 mm साइज़ का, ये दो चीज़ हम लोग देखेंगे, 12 mm का थिक का गसेट प्लेट और जो क्रीट एंगल हम लोग यूज़ करेंगे 150 mm × 115 mm × 12 mm का हम लोग यूज़ करेंगे क्रीट एंगल। अभी देखो ये यूज़ करने के बाद हम लोग देखेंगे मिनिमम साइज़ हम लोग को क्या चाहिए, मिनिमम साइज़ हम लोग को क्या चाहिए वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिनिमम साइज हम लोग को क्या देंगे वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, देखो इसमें देखो मिनिमम साइज के लिए इरेज कर देता हूँ। देखो मिनिमम साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम साइज है इसमें देखो हम लोग विथ का प्लेट का विथ निकालेंगे, तो आई सेक्शन है दोस्तों, ये हम लोग का आई सेक्शन है, मतलब जो कॉलम सेक्शन है। ठीक है, इसके साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कॉलम का जो यहाँ से यहाँ तक साइज है ये 300 mm है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 20-20 का जो दो प्लेट है वो प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे, जो 20 mm थिकनेस का हम लोग ने इससे पहले देखा कि देखो ये हम लोग का इसका जो पहले वाला डायग्राम है दिखा देते, इसमें देखो इसमें जो है ये इसमें जो है हम लोग कवर प्लेट जो यूज़ करेंगे 20 mm का साइज़ का कवर प्लेट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें ये आई सेक्शन में दो कवर प्लेट यूज़ करेंगे, तो उसका थिकनेस होगा 20 mm, ये होगा 20 mm थिकनेस का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है कॉलम का ये है 300 है ना, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो 2 × 20 300 + 2 × 20 है ना, तो उसके बाद हम लोग का जो आएगा जो थिकनेस ऑफ द क्रीट एंगल, क्रीट एंगल हम लोग इसके बाद आएगा, तो क्रीट एंगल ऐसा आएगा, क्रीट एंगल का लार्जर लेग जो कनेक्टेड रहेगा और दूसरा लेग ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसका थिकनेस हम लोग लेंगे 2 × 12, क्योंकि इसका थिकनेस हम लोग को 12 mm है, और उसके बाद क्या है कि ये जो साइज़ है क्रीट एंगल का ऐसा, क्रीट एंगल ऐसा है। ठीक है, ये थिकनेस उसका 12 है और यहाँ से यहाँ तक लेग जो है 1/5 है, तो इसका 2 × 1/5 उन्होंने ले लिया, 2 × 1/5 हम लोगों ने 2 × 1/5 हम लोग ले लिया, तो देखो 2 × 1/5 है, तो इससे हम लोग क्या आएगा जो मिनिमम विथ जो जरूरत है ये 595 आया, तो विथ आ गया, तो विथ जब आ गया तो हम लोग इसको कंसीडर करें लेंथ निकालेंगे, तो इतना एरिया टोटल हम लोग को चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या होगा लेंथ हम लोग को पता चल जाएगा 890 mm। तो अभी क्या है कि इससे दो पता चला, एक 890 × 595, ठीक है, 890 × 595 क्या है हम लोग का, 890 × 595 देखो एक इसमें 890 × 595 इतना साइज़ का हम लोग को क्या मिलेगा, बेस प्लेट का साइज़ मिल गया। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे,
अभी हम लोग ये जो बेस प्लेट का साइज मिला उससे हम लोग एक्चुअल प्रेशर, ये जो प्रेशर हम लोगों ने माना था कि कंक्रीट का बियरिंग प्रेशर 4 न्यूटन पर एमएस2, लेकिन क्या है कि एक्चुअल अभी जो साइज हम लोगों ने क्या जो साइज जरूरत था उससे ज़्यादा लिया, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग फिर से प्रेशर निकालेंगे। तो एक्चुअल प्रेशर हम लोग निकालेंगे तो आएगा टोटल लोड 2100 × 10³ डिवाइड बाई 890 जो बेस प्लेट का साइज है इंटू 595, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.14। तो ये हम लोग का पहले क्या 4 था, अभी प्लेट का साइज जैसे ही ज़्यादा कर दिया तो ये कम हो गया। अभी क्या है कि कैंटिलीवर प्रोजेक्शन हम निकालेंगे। कैंटिलीवर प्रोजेक्शन मतलब क्या है, सोचो एक लार्ज में अगर तुम डायग्राम देखोगे तो ये आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में एक है 150 है, ये हम लोग का 115 है, 115 है, ठीक है। ये जो 115 है इससे ये जो 12 इसका थिकनेस है इसको माइनस करेंगे तो ये लेंथ हम लोग का प्रोजेक्शन लेंथ आ जाएगा, 115 माइनस 12 करेंगे तो 103 इसका प्रोजेक्शन लेंथ आ जाएगा, ठीक है, इसका प्रोजेक्टेड लेंथ इसका आ जाएगा, तो ये आ गया 103, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक उसको एज ए स्ट्रिप मानेंगे, स्ट्रिप मान के उसको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रिप मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 mm विड्थ मान लेंगे और इतना इसको लेंथ मान लेंगे इन द फॉर्म ऑफ UDL, है ना। तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये कैंटिलीवर है, ठीक है, जिसमें ये लोड हम लोग को लग रहा है, और लोड क्या है, ये W जो हम लोग कैलकुलेट करें 3.14, ये हम लोग को लोड है। तो हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर का कैसा निकालते हैं, WL² / 2, तो इसको WL² / WA 3.14 हो गया, ये हम लोग क्या 103 हो गया, √2 करेंगे तो इतना हम लोग आएगा बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, है ना, ये हम लोग का बेंडिंग मोमेंट आ गया। अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हम लोग को पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये एम आर का जो फॉर्मूला है ये है 1/6 BT² × FAC, ये हम लोग का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो 1/6 तो हो गया, बी हम लोग को पता है 103 है, सॉरी विथ हम लोग 1 mm वाइड पकड़ लिया था, तो विथ हम लोग को 1 mm है, थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करना है, FAC परमिसिबल स्ट्रेस है, ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 185। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ए इक्वेशन को इससे हम लोग बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करेंगे टी फाइंड आउट करने के लिए, तो कितना थिकनेस हम लोग को जरूरत है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थिकनेस हम लोग फाइंड आउट करें दोनों इक्वेट करके, है ना। तो ये जो इतना हम लोग को चाहिए है थिकनेस, लेकिन ऑलरेडी क्या करा हमने, जो क्लीट एंगल है, ये जो क्लीट एंगल है इसको हम लोग थिकनेस क्या 12 mm का था, ठीक है। तो ये एक्चुअल हम लोग को इतना चाहिए लोड को रेसिस्ट करने के लिए इतना थिकनेस, तो जो क्लीट एंगल का थिकनेस ऐसे ये जो 12 mm है क्लीट एंगल, तो ये 12 mm का जो थिकनेस है ये हम लोग सब माइनस कर देंगे तो क्या होगा, बेस प्लेट का थिकनेस आ जाएगा, तो हम लोग का बेस प्लेट का थिकनेस हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, और कुछ कुछ कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि देखो और क्या करेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे X-X डायरेक्शन में, ये देखिए बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे X-X डायरेक्शन में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ताकि वो हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि जो वेब है CG का आई सेक्शन का उसी से पास हो, ठीक है। तो उसका हिसाब से बेस कर, मतलब कैसा है मैं बता रहा हूँ, उसका ठीक है, एक है कि CG से हम लोग का पास हो, तो वेब सेक्शन का CG से अगर ये पास होगा, सोचो देखो CG से अगर ये मतलब वेब का आई सेक्शन का वेब, देखो मैं पेंसिल ले नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें अगर देखोगे तो ये क्या होता है, W तो सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार WL² / 8 माइनस WL² / 2 करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का वेब सेक्शन में जो फॉर्मूला है WL² / 8 सिंपली सपोर्टेड माइनस WL² / 2 कैंटिलीवर पोर्शन का, इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। तो हम लोग एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा कि जो वेब का सेक्शन है आई सेक्शन का वेब, देखो वेब कौन सा है, फ्लेंज कौन सा है आई सेक्शन का, हमको पता है जो बीच का लंबा सेक्शन है उसको वेब बोलते हैं, और टॉप एंड बॉटम का जो सेक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेंज। तो उससे हम लोग WL²/370 क्या है, ये एक है, ये हम लोग का टोटल लेंथ है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट माइनस वो करेंगे तो हम लोग का आएगा, और
देखो ये कैसे आया है, सोचो हम लोग का ये कॉलम है, ये आई सेक्शन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या करेंगे, एक डेट दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग का गसेट प्लेट आएगा, इसके बाद आई सेक्शन आके ऐसा आएगा, ठीक है। ये आएगा, इसके बाद आई सेक्शन आके ऐसा हम लोग का आएगा, ठीक है। ये हम लोग का सिस्टम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो लोड आएगा, देखो ये हम लोग का 115 है, हम लोग को पता है 115, ठीक है। और ये हम लोग का 300, देखो 300 हम लोग क्या है, यहाँ से यहाँ तक 300 है ना, यहाँ 20-20 साइड में, तो 340 है ना। फिर हम लोग का 340 हो गया, 300 + 2 × 20, तो 340 प्लस ये साइड में 15, ये साइड में 15 करके 2 × 15 है ना, तो आएगा 270, सॉरी 370 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करें, ठीक है, यहाँ से इसका जो टोटल लेंथ ले लिया 370, इसको डिवाइड बाई 8 करा डब्ल्यू एल स्क्वायर मान के, और इसको 115 यहाँ से यहाँ तक है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 कर दिया, तो हम लोग का एक्चुअल आ जाएगा, एक्चुअल हम लोग का बेंडिंग मोमेंट इसमें आ गया, एक से एक सेक्शन में इतना आ गया, ठीक है। और सेम फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में भी यूज़ करेंगे, मोमेंट ऑफ बेंड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 1/6 इंटू बी इंटू 1/6, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बी इंटू टी स्क्वायर इंटू 185 इंटू 185, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसमें टी मिल जाएगा 32.7036 mm का मिल जाएगा। तो अभी हम लोग का इससे क्या है कि दो चीज़ हम लोग चेक करा है, ठीक है, इसमें से देखो पहले वाला भी टी चेक करा, इसमें भी टी चेक करा है, तो सबसे ज़्यादा वाला हम लोग लेंगे मोर सेफ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आएगा हम लोग 890 × 595 पहले मिल चुका है, इंटू 36 इसका थिकनेस मिल गया, हम लोग डिज़ाइन कर देंगे, बस ये हम लोग का डिज़ाइन हो गया। अभी हम लोग क्या है कि कनेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, कनेक्शन कैसे होगा, देखो जो टोटल लोड आ रहा है, एक लोड एक कैसेट प्लेट आधा लोड लेगा, दूसरा कैसेट प्लेट आधा लोड लेगा, तो इसका जो है कि कॉलम लोड का आधा एक कैसेट प्लेट आधा और एक कैसेट प्लेट लेगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे, देखो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का आएगा 1/2 × 2100000, ये हम लोग का आएगा, तो हम लोग का आएगा जो लोड आएगा इतना आएगा। तो हम लोग को रिबेट का डायमीटर दिया है, नॉमिनल डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर मतलब होल का डायमीटर दिया, 2 mm ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगल शीयर डबल शीयर में यूज़ करके रिबेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रिबेट वैल्यू हम लोग फॉर्मूला क्या है, π/4 dH² 2 BA फास्ट यूनिट में हम लोग करा है, तो इसमें हम लोग करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ ऑफ द रिबेट इन सिंगल शेयर आ जाएगा, बियरिंग में FPB × D × T, FPB का वैल्यू दिया है 300 × D × T करेंगे तो इसमें हम लोग का बियरिंग में भी आ जाएगा, तो मिनिमम ऑफ 2 दोनों में सबसे कम जो है ये हम लोग का रिबेट वैल्यू हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, जो लोड हम लोग आ रहा है एक में, एक साइड में जो लोड आ रहा है गसेट प्लेट का, वो इतना आ रहा है, डिवाइड बाई रिबेट वैल्यू करेंगे तो नंबर ऑफ रिबेट मिल जाएगा 40। तो और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गसेट प्लेट में 20-20 करके 40 है, तो 20 इस साइड में एक गसेट प्लेट में और 20 उस साइड में हम लोग ऐसे करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का डिज़ाइन पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग हो गया। तो अभी हम लोग क्या है कि ये देखो ये डायग्राम तुम देखो तो तुम्हें और भी क्लैरिटी आ जाएगा। देखो ये हम लोग आई सेक्शन है, आई एस एच भी 300 है ना, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो बेस प्लेट यूज़ करें 300 × 200 का, देखो ये 300 × 200 का हम लोगों ने बेस प्लेट ऊपर एक नीचे एक हम लोग ने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद हम लोग ने क्या करा, उसके बाद हम लोग लंबा तरफ से दो हम लोग का आई सेक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है कि आई सेक्शन है, आई सेक्शन का एक ऊपर पार्ट है, एक मतलब आई सेक्शन कैसे दिखता है, आई सेक्शन ऐसा है ना, तो ये पार्ट में भी ऊपर से हम लोग जब दिखेंगे तो ये सेक्शन भी दिखाई देगा, ये सेक्शन भी दिखाई देगा, तो ये है, ये वो क्या आई सेक्शन है जो कवर प्लेट के बाद, ठीक है। तो ये है देखो, ये 103 है लेंथ, 115 है, देखो 365 है ना, हम लोगों ने जब वो लिया था है ना, तो ये है हम लोग का डिज़ाइन, ये बेस प्लेट का साइज़ है 895, और ये तीनों ऐड करके ये साइड लेंथ है, तो ब्रेट का हम लोग गसेट प्लेट का साइज आ जाएगा। अगर साइड देखो 300, ये देखो इसका हाइट 250 है ना, 300 क्योंकि इसको, और इसमें गसेट प्लेट का जो थिकनेस है 12 mm में, गसेट प्लेट एंगल का जो है ये 150 × 15 × 12 है, और ये 895 है। तो ये क्या होगा, हम लोग का एक्चुअली जो डायग्राम हो जाएगा, देखो ये हम लोग का रिबेट है, नंबर ऑफ रिबेट जो हम लोगों ने यूज़ करा ऊपर नीचे कॉलम को कनेक्ट करने के लिए, जो हम लोगों ने अभी रिबेट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करके हम लोग करा है, ठीक है, ये हो गया। और ये देखो ये इसका इसका जो है टॉप, इसका साइड व्यू है, ठीक है, ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये है,
देखो इसमें क्या है कि 300 है, उसके बाद देखो ये जो 320 का एक 20 का एक ये बेस प्लेट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है कवर प्लेट का बाद उसके गसेट प्लेट आएगा 12 mm का, देखो ये कवर प्लेट है 220 का। उसके बाद हम लोग का ये आएगा 12 mm का गसेट प्लेट। इसके बाद 30, ये देखो 30 60 60 ऐसे भी एज कवर नहीं रख के हम लोग क्या रिवेट दे देंगे। ये हम लोग का क्लिक एंगल है, क्लिक एंगल यहाँ में कनेक्ट होगा, यहाँ में भी कनेक्ट होगा, दोनों हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसका बकलिंग वगैरह का करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।